नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो मैं आज बात करूंगा कि हम लोग थंबनेल कौन से ऐप से बनाएं। जो हम लोग देखते हैं ऊपर जो पोस्टर होता है वीडियो के ऊपर, और चलने के साथ 1 सेकंड के बाद वीडियो चलने लगता है, वो जो पोस्टर होता है थंबनेल होता है, वो कौन से ऐप से बनाएं, बेस्ट ऐप कौन सा रहेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो ऐप से मैं बनाता हूँ वो ऐप है पिक्सल ऐप। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल अगर बना रहे हो तो पिक्सल ऐप ट्राई करिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एंड्रॉयड वर्जन फ्री है एकदम से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर आप लोग, ये सब यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो थंबनेल के लिए पिक्सल ऐप हो गया। और वॉइस अगर अच्छी नहीं आ रही है आप लोगों की, माइक नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप लोग ये क्या बोलते हैं, लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इसका यूज कर सकते हैं। ये भी एकदम फ्री मिल जाएगा आप लोगों को प्ले स्टोर में आपके ही मोबाइल पर। ठीक है, ये कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने वीडियो पे टैग वैग लगाने के लिए नहीं लगा पाते हो, तो यूट्यूब पर सर्च कर लिए कैसे टैग लगाते हैं। बाकी अगर आप लोग टैग के लिए चाहिए, तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है vidIQ। vidIQ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप लोग यूट्यूब पे मान लो काम कर रहे हो, तो YT स्टूडियो तो 100% होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने चैनल से लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, उससे आप लोगों को अपना वॉच टाइम, रियल टाइम व्यू, ये सारी चीज़ें दो देखने को मिल जाएंगी। तो YT स्टूडियो भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि एकदम मतलब फ्री हैं यूट्यूब पे काम करने के लिए। और अगर आप लोग स्क्रीन वाले रिकॉर्ड मतलब साथ में चल रहे हैं, और रिकॉर्डिंग का भी आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक्स रिकॉर्डर। आपके मोबाइल की स्क्रीन आपको जो है रिकॉर्ड करके देगा वो। ठीक है, एक्स रिकॉर्डर भी आप लोगों को रखना चाहिए। और अगर आप लोग कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों को कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए क्रोम ब्राउजर पे YT स्टूडियो ओपन करना चाहिए। वहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, जितने सारे म्यूजिक मिलेंगे वहाँ पे कॉपीराइट फ्री रहेंगे, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कितना भी म्यूजिक आप लोग वहाँ से यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, और अगर बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग के लिए बेस्ट ऐप है VnApp। VnApp से भी आप लोग अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं बिना किसी वाटरमार्क के। तो ये सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर काम करने के लिए। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग इंस्टॉल करके रखिए, और स्टेप बाय स्टेप इन्हीं सारी चीज़ों से आप लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही बताना था कि अगर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी हैं। फ्री है एकदम, कोई पेड वेड नहीं है। प्ले स्टोर में जाओ और डाउनलोड कर लो, वहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। और फिर सीखना है तो यूट्यूब पर वीडियो भी देख लो भाई। वीडियो देखने से, या फिर आप लोगों को लगता है कि ऐसा हम किसी का वीडियो देख, अरे भाई वो तुमको सिखा ही तो रहा है, जैसे कि मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या, एक लाइक करने में दिक्कत हो जाती है। लाइक करोगे तो भाई थोड़ा सा हौसला बढ़ता है हम लोगों का, और वीडियो बनाते हैं और चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।